में बताऊंगा। आप जो है अभी अभी अपने ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते और जाते जल्दी से स्कूल। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज मॉर्निंग में शी तैयार हो गया है और जा रहा है स्कूल। न्यू क्लास, सेकेंड डे ऑफ द क्लास, और आकर आपसे जल्दी मिलेगा। और गाइस, ये पुण्याक्ष आ चुका है स्कूल से और ही इज वेरी एंग्री। क्यों एंग्री हो सजी? व्हाई आर यू एंग्री? तुमने तो है तो क्या हुआ? मैंने तो नहीं किया। क्या चीज दबाया था तुमने? इधर इधर देख के बात करो। तुमने दबाया था? क्या चीज तुमने दबाया था? क्या तुमने दबाया था? आपके प्रेस करने से लिफ्ट आई, मेरे इससे करने से थोड़ी ना आई है। नहीं, तुमने दबाया था, देखा था। ओह माय गॉड, आज श्री ने किया स्कूल में डांस और अब्बू करके बता रहा है कि उसने आज डांस कैसा किया। गाइज, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पुण्याक्ष का ये डांस कैसा लगा। उसने बहुत ही मेहनत की थी इस डांस को तैयार करने में, लेकिन उसने स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए उसका एक फिर से मुझे वीडियो बनाना पड़ा और मैम को सेंड करना पड़ा कि मैम गूगल पे डांस कर रहा है लेकिन वो स्कूल में डांस नहीं कर रहा है। क्योंकि जब इस एज के बच्चे होते हैं तो वो बहुत शाई होते हैं, वो मूडी होते हैं, उनका मूड होता है तो वो डांस करते हैं, मूड नहीं होता है तो वो डांस नहीं करते हैं। और पुण्याक्ष ने भी यही किया। उसका जब मैंने उससे पूछा तुमने स्कूल में डांस नहीं किया, तो कहता है मम्मा मेरा मूड ही नहीं था डांस करने का। घर आकर उसने फिर मुझे डांस दिखाया कि देखो मम्मा मैं ऐसे डांस करता हूँ, बहुत अच्छा डांस करता है। लेकिन स्कूल में उसने बिल्कुल भी डांस नहीं किया। तो मैम को बताने के लिए मुझे कि मैम पुण्याक्ष कर लेता है, डांस करता है, उसका एक वीडियो बनाकर मैम को भेजना पड़ा। आप उसका डांस देखिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे बेटे का ये डांस कैसा लगा। कंप्लीट करो, पहले पूरा फिनिश करो। कंप्लीट करो, पहले फिनिश करो। दोपहर और यहाँ उड़ रहे हैं प्लेन। 3, 2, 1 गो। वाओ, फिर उठाओ, चल रहे हैं प्लेन। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्लेन उड़ रहा है। आज प्लेन उड़ाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए क्या उड़ान है प्लेन की। ये पुण्याक्ष का प्लेन था। किधर गया सची? दिखाओ जल्दी दिखाओ। हाँ, उड़ाओ प्लेन अपना। ये श्री, हाँ उड़ाओ। प्लेन नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ गए? उड़ाओ भाई कोई प्लेन अच्छे से दिखे तो। हाँ उड़ाओ, डाड़ा उड़ाएगी। ये राघव का प्लेन कहाँ है? राघव अपना प्लेन उड़ाओ। ये राघव का प्लेन क्रैश हो गया है। अब देखो डाड़ा प्लेन उतारने जा रहे। ये अच्छी फ्लाइट नहीं रही। श्री आपका प्लेन कहाँ है? अब राघव का प्लेन उड़ने वाला है। राघव का प्लेन क्रैश हो रहा है बार बार। आज राघव का प्लेन क्रैश हो रहा है। ये देखो दोपहर के 1 बजे यहाँ प्लेन उड़ रहे हैं और ये प्लेन कहाँ जा रहे हैं पता नहीं।
ये प्लेन घायल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये देखिए, अरे अभी तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेन उड़ रहे थे। गाइस अब हो गई है इवनिंग और श्री आ गया है गरम गरम ढाबा अपने यांशु के साथ, अनु आंटी के साथ और डीपी अंकल के साथ। आप देख सकते हो यहाँ का कितना खुश है, जा रहा है डीपी अंकल के पास खेलने के लिए, उसे बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही है। आप भी अगर यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं, ये मुरथल में है। और यहाँ आकर अगर आप धर्मेंद्र जी के फैन हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत स्पेशियस है, बहुत। आप देख सकते हैं श्री की पूरी मस्ती चल रही है, वो पूरी मस्ती में है। हम लोगों ने डिनर कर लिया है और अब वो खेल रहा है। और अभी सबसे अच्छी चीज़, द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आने वाला है, वो है परफॉर्मेंस डीपी अंकल की। और ये हैं श्री के फेवरेट डीपी अंकल एंड अनु आंटी। डीपी अंकल अनु आंटी को आज एक सॉन्ग डेडिकेट करने जा रहे हैं। आप सभी इस सॉन्ग को सुनिए और एंजॉय कीजिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी श्री के डीपी अंकल की ये परफॉर्मेंस। वेरी गुड। मैडम स्माइल कर दीजिए। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको श्री के डीपी अंकल की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।